तो आपने देखा कि किस प्रकार जब एक विपत्र अनादृत हो जाता है और उसकी कंडीशन ये होती है कि वो एकत्रीकरण के लिए, कलेक्शन के लिए भेजा जा चुका था, तो किस प्रकार से पंजी प्रविष्टियाँ की जाती हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन बनती है विपत्र के का जब व्यवहार करते हैं उसके अंतर्गत, विपत्रों के नवीनीकरण की। यानी कि कई बार क्या होता है, हमने देखा कि जब उधार क्रय विक्रय किया जाता है तो जो क्रेता व्यापारी होता है वो विक्रेता व्यापारी द्वारा लिखे गए एक विपत्र पर अपनी स्वीकृति देता है। विक्रेता व्यापारी क्योंकि विपत्र को लिखता है इसलिए वो लेखक कहलाता है। क्या लिखता है वो विपत्र में कि हमने आपको ये माल बेचा है और कुछ समय पश्चात इतना रुपये आप मुझे देना स्वीकार करें। स्वीकर्ता क्योंकि उस विपत्र पर अपनी स्वीकृति देता है कि हाँ मुझे आपकी शर्त मंजूर है, तो ऐसी कंडीशन में जो क्रेता होता है वो विपत्र का स्वीकर्ता बन जाता है और जो लेखक होता है वो विपत्र का विक्रेता बन जाता है। अब यहाँ पर देखना ये होता है कि देय तिथि के बारे में जो डेट मेंशन है विपत्र पर, क्या विपत्र का स्वीकर्ता यानी कि क्रेता व्यापारी उस तिथि पर विपत्र की राशि का भुगतान कर पाने में सक्षम होता है। कई बार ऐसा होता है कि एक बार जो विपत्र का स्वीकर्ता होता है, क्रेता व्यापारी होता है, वो स्वीकृति तो दे देता है लेकिन बहुत से कारण ऐसे होते हैं, बहुत सी कंडीशंस ऐसे बनती हैं कि वो देय तिथि पर विपत्र की राशि का भुगतान नहीं कर पाता। ऐसी तिथि में विपत्र के अनादरण होने से पहले या फिर परिपक्वता तिथि से पहले, हमने पहले भी परिपक्वता तिथि के बारे में जाना है कि क्या होती है, तो परिपक्वता तिथि से पहले ही पुराना विपत्र रद्द करके एक नया विपत्र नए डेट पे लिखने की जो स्वीकर्ता होता है वो प्रार्थना करता है। और यहाँ पर जो प्रक्रिया चलती है उसके अंतर्गत पुराना विपत्र जो लिखा गया होता है उसको रद्द कर दिया जाता है और उसकी जगह पर एक नया विपत्र लिख दिया जाता है। कुल मिलाकर ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इसे ही हम विपत्र का नवीनीकरण यानी रिटायरिंग ऑफ बिल कहते हैं। अब यहाँ पर बहुत सी कंडीशंस बनती है, आलोकन व्यय भी कई बार पेबल होते हैं, कैश में होते हैं कई बार स्वीकर्ता द्वारा दे होते हैं। अलग अलग कंडीशंस में लेखक और स्वीकर्ता की पुस्तकों में अलग अलग जनरल एंट्रीज की जाती हैं। तो आइए देखते हैं कि विपत्र के नवीनीकरण पर लेखक और स्वीकर्ता दोनों की बहियों में कौन कौन सी पंजी प्रविष्टियां की जाती हैं। 1 मार्च 2008 को ए ने बी को 5,000 रुपए का माल बेचा, बी ने 3,000 रुपए नगद देकर ए ने इस विपत्र को 6% बट्टे पर 4 मार्च को भुना लिया। देय तिथि को विपत्र अनादृत हो गया तथा बैंक को 15 रुपए आलोकन व्यय का भुगतान किया। बी ने 6% प्रतिवर्ष के ब्याज एवं आलोकन व्यय तथा विपत्र की राशि सहित 3 माह का नया विपत्र लिखने की प्रार्थना की, जिसे ए ने स्वीकार कर लिया तथा एक नया विपत्र लिखकर बी को दे दिया, जिसे बी ने स्वीकार कर ए को लौटा दिया। देय तिथि पर उस नए विपत्र का भुगतान हो गया। उक्त व्यवहारों का ए एवं बी में के जनरल में प्रविष्टि कीजिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो पक्षकार हैं ए और बी, क्योंकि ए ने बी को माल बेचा, यानी कि ए जो है विक्रेता है यानी लेखक है, तो लेखक की पुस्तकों में पहले हम पंजी प्रविष्टि करेंगे और उसके बाद बी यानी कि स्वीकर्ता की पुस्तकों में हम पंजी प्रविष्टि करेंगे। तो हमारी पहली जो एंट्री है माल बेचने की वो हो जाएगी बी डेबिट विक्रय खाता से और उधार माल बेचा, इस तरह की हम टिप्पणी लिखेंगे और 5,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद क्योंकि हमने 3,000 रुपए की राशि का नगद भुगतान प्राप्त किया है, लेखक ने नगद भुगतान प्राप्त किया है ए ने, तो वो अपनी पुस्तक में जनरल एंट्री करेगा रोकड़ खाता डेबिट ब से, ब द्वारा आंशिक भुगतान प्राप्त होने पर 3,000 रुपए से इसकी एंट्री करेंगे हम। और फिर बाकी जो 2,000 बचा उसके लिए उसने बी पर एक विपत्र लिखा है और वो विपत्र बी से स्वीकृत होकर ए को प्राप्त हो गया है। तो इस कंडीशन में हमने पहले भी देखा कि जनरल एंट्री होती है प्राप्य विपत्र खाता डेबिट स्वीकर्ता के व्यक्तिगत खाता से, यानी कि प्राप्य विपत्र खाता डेबिट ब से, और 2,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे।
अब नेक्स्ट, जबकि ये जो विपत्र था वो 6% प्रतिवर्ष की दर से भुना लिया गया, तो इस कंडीशन में जनरल एंट्री होगी बैंक खाता डेबिट, बट्टा खाता डेबिट, प्राप्य विपत्र खाता से। जैसे कि हमने वीडियो में देखा कि जब विपत्र लेखक के पास रहता है और बैंक से उसे बट्टे पे भुना लिया जाता है, तो हम एंट्री करते हैं बैंक डेबिट, बट्टा डेबिट, प्राप्य विपत्र खाता से। अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लेंगे इसकी कि विपत्र कितने का था, 2000 का था, और 6% प्रतिवर्ष की दर से इसको बट्टे पे भुनाना था। कितने महीने के लिए विपत्र लिखा गया था, तो 4 मार्च को क्योंकि इसको बट्टे पर भुना लिया गया, और ये विपत्र जो था ये 3 माह की अवधि के लिए ये विपत्र लिखा गया था, लेकिन क्योंकि ये 4 मार्च को ही भुना लिया गया, यानी कि 2 माह पहले ही ये विपत्र भुना लिया गया, तो 2 माह के लिए हम इसका जो ब्याज है वो कैलकुलेट हम कर लेंगे। तो यहाँ पर जो जो बट्टा है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पर जो बट्टे की रकम आती है वो आती है 30 रुपए बट्टा, और 2000 में से अगर 30 रुपए बट्टा चला गया यानी कि 1970 रुपए जो है वो प्राप्त होंगे। तो बैंक के डेबिट में 1970 रुपए और बट्टा के डेबिट में हम 30 रुपए लिखेंगे, और प्राप्य पत्र खाता से 2000 ये क्रेडिट में आ जाएगा। यहाँ हम नरेशन लिख देंगे, प्राप्य विपत्र 6% प्रतिवर्ष की दर से भुनाया गया। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर आलोकन व्यय भी चुकाए गए हैं, तो लेखक की पुस्तक में अगर आलोकन व्यय की एंट्री करनी है साथ में विपत्र के अनादरण के साथ, तो यहाँ पर हम आलोकन व्यय को विपत्र की राशि में जोड़कर इसकी एंट्री करते हैं अनादरण की और आलोकन व्यय की। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी ब डेबिट बैंक खाता से, और विपत्र का अनादरण तथा आलोकन बैंक द्वारा भुगतान किया गया, इस तरह से हम नरेशन लिखेंगे। और टोटल 2000 का विपत्र था, 15 रुपए आलोकन में हो गया, यानी टोटल 2015 से हम इसकी एंट्री करेंगे। और नेक्स्ट, जबकि अब ये विपत्र अनादृत हो गया और नया विपत्र लिखना है, रिन्यूअल करवाना है, तो यहाँ पर हमने देखा कि रिन्यूअल की कंडीशन में लेखक के पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि हो जाती है प्राप्य विपत्र खाता डेबिट स्वीकर्ता से, यानी कि बी से। तो प्राप्य विपत्र खाता डेबिट ब से, और नरेशन हम लिखेंगे नया विपत्र प्राप्त किया, और टोटल जो इसकी अमाउंट हो रही है 30 रुपया, उसमें बट्टा डेबिट हुआ था, आलोकन व्यय 15 रुपया डेबिट हो गया, यानी टोटल अब ये विपत्र जो है वो हो गया 2045 रुपए का। तो 2045 से ये नया विपत्र हम लिखेंगे, और जब ये इस पर भुगतान प्राप्त होगा तो यहाँ पर एंट्री की जाएगी रोकड़ खाता डेबिट प्राप्त विपत्र खाता से। नॉर्मली हम पहले भी भुगतान प्राप्ति की जो एंट्री करते थे उसी बेस पे हम यहाँ पे भी भुगतान प्राप्ति करेंगे, तो रोकड़ खाता डेबिट प्राप्त विपत्र खाता से, और नरेशन हम लिखेंगे रोकड़ भुगतान प्राप्त किया 2045। अब आ जो कि लेखक था, लेखक के पुस्तकों में हमने पंजी प्रविष्टि कर ली, अब इसी तरह से हम स्वीकर्ता की पुस्तकों में भी पंजी प्रविष्टि कर लेंगे। तो स्वीकर्ता के पुस्तकों में, स्वीकर्ता जो कि बी है, बी की पुस्तकों में सबसे पहले हम उधार माल खरीदने की एंट्री करेंगे, जो कि हो जाएगा क्रय खाता डेबिट अ से, और यहाँ हम नरेशन लिखेंगे वस्तु का उधार क्रय, और 5000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद क्योंकि आ को इसने नगद भुगतान किया था 3000 रुपए का, तो यहाँ पर ब जो है क्रेता जो है वो अपनी पुस्तक में भुगतान की एंट्री करेगा, तो किसको उसने भुगतान किया, आ को। तो यहाँ पर जनरल एंट्री हो जाएगी आ डेबिट रोकड़ खाता से आंशिक नगद भुगतान किया 3000। और उसके बाद ये जो विपत्र है उस पर स्वीकृति देगा कौन, देगा ब देगा, किसको देगा, आ को देगा। तो स्वीकृति देने की एंट्री करेगा ये अपनी पुस्तक में, कौन सी एंट्री करेगा, आ डेबिट दे बिल दे विपत्र खाता से, और नरेशन लिखेगा दे विपत्र पर स्वीकृति दी 2000 रुपए से इसकी एंट्री करेंगे। अब जबकि ये विपत्र अनादृत हो गया और आलोकन व्यय का भुगतान भी किया गया, तो हमने वीडियो में देखा कि किस प्रकार से इसकी जनरल एंट्री होती है, दे विपत्र खाता डेबिट आलोकन व्यय खाता डेबिट अ से, यानी कि लेखक से। तो 2000 रुपए का विपत्र था जिसको कि हम डेबिट में लिखेंगे, आलोकन व्यय हुए 15 रुपए उसको हम डेबिट में लिखेंगे, और टोटल जोड़ के हम अ के खाते के क्रेडिट में लिख देंगे 2015 रुपए, और नरेशन हम यहाँ पर लिख देंगे विपत्र का अनादरण तथा आलोकन व्यय का भुगतान किया। अब नवीनीकरण की कंडीशन बन रही है, यहाँ पर विपत्र का नवीनीकरण करना है, उस पर ब्याज दिए हैं, तो ब्याज की एंट्री केवल हम स्वीकर्ता के यहाँ पर करते हैं, तो ये हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी ब्याज खाता डेबिट अ से नवीनीकरण पर दिए ब्याज 30 रुपए से हम इसकी एंट्री करेंगे। और अब क्योंकि ये विपत्र अनादृत हो गया, आलोकन व्यय चुका थी, अब नया विपत्र लिखेंगे, तो नया विपत्र लिखते समय स्वीकर्ता की पुस्तकों में एंट्री होती है अ डेबिट दे विपत्र खाता से, क्योंकि नए विपत्र पर फिर से स्वीकृति दी जाएगी, और टोटल खर्च जो हुआ था वो मिलाकर 2045 रुपए का ये विपत्र हुआ, तो 2045 से हम इसकी एंट्री करेंगे।
और जब इस पर भुगतान होगा तो नॉर्मल हम भुगतान की पहले जो एंट्री करते थे सेम वही एंट्री यहाँ पे फिर से करेंगे। देय विपत्र खाता डेबिट रोकड़ खाता से, और 2045 से हम भुगतान की एंट्री करेंगे, और नरेशन यहाँ पर हम लिखेंगे देय विपत्र का भुगतान किया। 1 मार्च 2008 को एक्स ने वाई को 5,000 रुपए का माल बेचा तथा उक्त राशि के लिए 3 माह की अवधि का एक विपत्र लिखा, जिसे वाई ने स्वीकृत कर लौटा दिया। भुगतान तिथि पर वाई ने भुगतान की असमर्थता बतलाई और 3,000 रुपए नगद दिए एवं शेष राशि के लिए 10% प्रतिवर्ष ब्याज दर पर 3 माह की अवधि का एक नया विपत्र स्वीकृत किया। भुगतान तिथि पर विपत्र का भुगतान कर दिया। एक्स और वाई की बहियों में आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि दो पक्षकार हैं एक्स और वाई, क्योंकि एक्स ने वाई को माल बेचा है। इसका अर्थ यह है कि एक्स विक्रेता है और वाई को माल बेचा गया है, यानी कि वाई क्रेता है। अब हमको देखना है कि लेखक कौन है और स्वीकर्ता कौन है। तो जो विक्रेता होता है वही विपत्र लिखता है, यानी कि एक्स जो है वो विक्रेता है और वही विपत्र को लिखेगा, यानी कि वही विपत्र का लेखक है। दूसरे पक्ष में हम देख रहे हैं कि वाई जो है वो विपत्र का, वो माल का क्रेता है। विपत्र को उसने स्वीकृत किया है, स्वीकृति दी है उसने विपत्र पर, तो वो स्वीकर्ता है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे स्वीकर्ता के रूप में वाई की पुस्तकों में प्रविष्टियां करेंगे और लेखक के रूप में जो है वो एक्स की पुस्तक में एंट्री करेंगे। अब लेखक यानी कि एक्स की पुस्तक में जो हम सबसे पहली एंट्री करेंगे वो एंट्री हो जाएगी वाई डेबिट टू सेल, क्योंकि वो वाई को माल बेचेगा तो वो अपनी बुक में फर्स्ट एंट्री करेगा वाई डेबिट टू सेल बिंग गुड सोल्ड टू वाई, और 5,000 से इसकी एंट्री की जाएगी। अब जबकि इस राशि के लिए वो 3 माह की अवधि का बिल लिखेगा और वाई से स्वीकृत होकर वो वापस उसको प्राप्त करेगा, तो ऐसी कंडीशन में वो अपने अकाउंट में जनरल एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट। एक्सेप्टर यहाँ पर हम देख रहे हैं कौन है, वाई है। तो ऐसी कंडीशन में एक्स यानी कि लेखक की पुस्तक में जनरल एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, और 5,000 से ही हम इसकी एंट्री करेंगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भुगतान तिथि पर वाई ने भुगतान की असमर्थता बतलाई और 3,000 रुपए नगद दिए और शेष राशि के लिए 10% प्रतिवर्ष ब्याज की दर पर 3 माह की अवधि का एक विपत्र प्राप्त किया। तो अब यहाँ पर क्योंकि हम देख रहे हैं कि असमर्थता जतलाई, इसका अर्थ यह है कि अब वो उस विपत्र पर भुगतान नहीं देगा लेकिन कुछ राशि उसमें से वो भुगतान कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जिस राशि का वो भुगतान कर रहा है वो कैश में उस राशि को देगा और एक्स उस राशि को, उस अमाउंट को प्राप्त करेगा। तो इस कंडीशन में एक्स थर्ड एंट्री जो है अपनी बुक में करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू वाई, क्योंकि वाई से वो प्राप्त कर रहा है उस राशि को, 3,000 के अमाउंट को वो कैश में प्राप्त कर रहा है और बाकी जो बैलेंस बचा उसके लिए वो बिल लिख रहा है। तो ऐसी कंडीशन में नॉर्मल बिल लिखने की जो एंट्री लेखक की पुस्तक में होती है वही एंट्री की जाएगी। तो ये एंट्री हो जाएगी वाई डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और जो बैलेंस अमाउंट जो है 2,000 उससे हम इसकी एंट्री करेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 10% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से एक नया विपत्र लिखने के लिए वो कह रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो पुराना बिल है पहले तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा, रद्द करना पड़ेगा, उसके बाद फिर नया बिल लिखा जाएगा। और लेखक की पुस्तक में जब पुराना बिल रद्द होता है, कैंसिल होता है, तो एंट्री होती है स्वीकर्ता का व्यक्तिगत खाता डेबिट प्राप्य विपत्र खाता से, यानी एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और यहाँ पर एक्सेप्टर जो है वो वाई है, तो यहाँ हम पहले बिल कैंसिल करने की एंट्री करेंगे, तो ये एंट्री हो जाएगी वाई डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और 2,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे और नरेशन में हम लिखेंगे ओल्ड बिल कैंसिल। उसके बाद यहाँ पर अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि नया विपत्र जो है वो स्वीकृत हो गया है, तो नया विपत्र पुराने विपत्र को रद्द करके जब नया विपत्र स्वीकृत कर दिया जाता है तो इस कंडीशन में फिर हम जनरल एंट्री करते हैं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट, और एक्सेप्टर यहाँ पे वाई है।
तो यहाँ जनरल एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाइस अकाउंट, और नरेशन हम यहाँ पे लिखेंगे रिन्यूअल ऑफ बिल। अब नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि भुगतान तिथि पर भुगतान प्राप्त कर लिया गया, तो यहाँ पर भुगतान प्राप्त करने के लेखा के पुस्तक में नॉर्मल एंट्री करेंगे जो कि होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और नरेशन हम यहाँ पे लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव ऑन बिल्स रिसीवेबल। तो ये तो हमने लेखक यानी कि ड्रॉवर की बुक में एंट्री कर ली। अब हम इस तरह की एंट्री स्वीकर्ता यानी कि वाई के पुस्तक में करेंगे, तो वाई जबकि माल को खरीदेगा तो सबसे पहली एंट्री वो करेगा परचेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स पर्सनल अकाउंट, और ड्रॉवर यहाँ पर एक्स है तो फर्स्ट एंट्री यहाँ पर हो जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। उसके बाद जबकि वो विपत्र पर स्वीकृति देगा, एक्स के द्वारा लिखे गए विपत्र पर स्वीकृति देगा, तो वो अपने पुस्तक में एंट्री करेगा एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 2000 के बिल पर उसने स्वीकृति दी है क्योंकि बाकी तो 3000 उसने पेमेंट कर दिया था। तो पहले जो है वो पेमेंट की एंट्री हो जाएगी, तो ये एंट्री हो जाएगी एक्स डेबिट टू कैश क्योंकि वो एक्स को कैश दे रहा है, कितना कैश दे रहा है वो 3000। तो सेकेंड एंट्री यहाँ पर हमारी हो जाएगी एक्स डेबिट टू कैश 3000, और अब जो बाकी का जो बिल बचा हुआ है उस पे वो स्वीकृति दे रहा है, बिल पे स्वीकृति दे रहा है बाकी के अमाउंट पे यानी कि 2000 के बिल पर वो स्वीकृति दे रहा है। तो यहाँ पे थर्ड एंट्री हमारी हो जाएगी एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। नॉर्मली जब एक स्वीकर्ता विपत्र पर स्वीकृति देता है तो वो अपनी बुक में एंट्री करता है लेखक का व्यक्तिगत खाता डेबिट दे विपत्र खाते से, ड्रॉवर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ड्रॉवर यहाँ पर एक्स है तो यहाँ जनरल एंट्री हो जाएगी एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। अब जबकि ये विपत्र अनादरित हो जाता है, तो अनादरण की दशा में स्वीकर्ता के पुस्तक में कोई चेंजेस नहीं आता है, जैसे कि हमने वीडियो में देखा कि अनादरण की हालांकि अलग अलग कंडीशन होते हैं लेकिन अगर भुनाया गया विपत्र अनादरित हो जाता है तो इस कंडीशन में कोई चेंजेस नहीं आते हैं क्योंकि जैसे एंट्री नॉर्मल जब विपत्र लेखक के पास हो और अनादरित हो जाए तब जो एंट्री होती है वही नॉर्मल एंट्री यहाँ पर होती है, और इसमें इस तरह से किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो यहाँ पर हम डिसऑनर्ड की सिंपल एंट्री करेंगे जो कि हमने वीडियो में देखा कि नॉर्मली एंट्री होती है स्वीकर्ता की यानी कि एक्सेप्टर के बुक में बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स पर्सनल अकाउंट, तो ड्रॉवर यहाँ पर एक्स है तो यहाँ जनरल एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, और नरेशन यहाँ पे लिखेंगे डिसऑनर्ड ऑफ बिल 2000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। अब एक नया पॉइंट इसमें ये है कि यहाँ पर हमको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे 2000 पे क्योंकि 2000 का बिल है, बाकी तो 3000 कैश हो गया था, और 10% पर एनम यहाँ पर रेट भी दिया गया है, टाइम दिया गया है 3 मंथ, तो यहाँ हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं 2000 इंटू 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100, 50 रुपीज हमको यहाँ पर इंटरेस्ट मिल जा रहा है, तो इसकी हम एंट्री कर लेंगे स्वीकर्ता यानी कि एक्सेप्टर की बुक में क्योंकि उसको इंटरेस्ट पे करना है यहाँ पर। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एक्स और 50 रुपीज से हम इसकी एंट्री करेंगे। नॉर्मली हमने देखा कि इंटरेस्ट के पेमेंट की जब हम एंट्री करते हैं तो स्वीकर्ता के बुक में एंट्री होती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स पर्सनल अकाउंट, तो लेखक यहाँ पर जो है वो एक्स है तो यहाँ जनरल एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एक्स और 50 रुपीज से हम इसकी एंट्री करेंगे। अब क्योंकि नया विपत्र इस पे इसको स्वीकृति देनी है वाई को और पुराना विपत्र जो है वो रद्द कर देना है, तो पहले हम रद्द करने की एंट्री करेंगे और उसके बाद फिर स्वीकृति की एंट्री हम करेंगे। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट और पुराना विपत्र रद्द हो गया, और अब फिर हम नया विपत्र लिख देंगे। तो नया विपत्र लिखने के लिए फिर हम एंट्री करेंगे एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, और जब जैसे कि हमने वीडियो में देखा था कि जब पुराना विपत्र रद्द होकर नया विपत्र लिखा जाता है तो नॉर्मल हम विपत्र लिखकर स्वीकृत होने पे स्वीकृति देने की जो एंट्री नॉर्मल करते थे वही एंट्री हमारी होगी जिसमें हम ड्रॉवर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट करते थे, तो यहाँ पर भी हम नॉर्मली वही एंट्री करेंगे ड्रॉवर मतलब कि एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। अब बात आती है कि भुगतान तिथि पर भुगतान हो गया, तो भुगतान करने की नॉर्मल एंट्री हम जो करते थे वही एंट्री हम यहाँ पर करेंगे जो कि होती थी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो सेम यही एंट्री करेंगे। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि अब जो विपत्र है उसमें ब्याज भी जुड़ गया है, तो हम 2050 से इसकी एंट्री करेंगे।
अंकुर एंड कंपनी पर सोनू एंड कंपनी का 10,000 रुपए का ऋण है। 1 जनवरी को सोनू एंड कंपनी द्वारा लिखे हुए इस राशि के 3 माह के विपत्र पर अंकुर एंड कंपनी ने अपनी स्वीकृति दी। 1 फरवरी को इसे सोनू ने एक फरवरी को इसे सोनू एंड कंपनी ने बैंक से 10% वार्षिक ब्याज की दर से बुनाया। देय तिथि पर विपत्र अनादृत हो गया और आलोकन व्यय 20 रुपए हुए। अंकुर एंड कंपनी ने 5,000 रुपए नगद सोनू एंड कंपनी को दिए और शेष राशि के लिए 12% प्रतिवर्ष ब्याज लगाकर 2 माह की अवधि की स्वीकृति दी। इन व्यवहारों का लेखा सोनू एंड कंपनी और अंकुर एंड कंपनी के जनरल में कीजिए। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि दो पक्षकार हैं सोनू और अंकुर। स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा गया है कि अंकुर एंड कंपनी पर सोनू एंड कंपनी का ऋण है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ड्रॉवर यानी कि लेखक या हम ये कहें कि विक्रेता सोनू एंड कंपनी है और ड्रॉवी यानी कि एक्सेप्टर यानी कि क्रेता अंकुर एंड कंपनी है। तो सबसे पहले हम ड्रॉवर यानी कि सोनू एंड कंपनी की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि कर लेंगे और क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट ऋण की बात कही गई है, क्रय विक्रय के संबंध में किसी प्रकार की कोई प्रविष्टि नहीं हमको यहाँ पर करनी है, तो यहाँ हम फर्स्ट एंट्री करेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अंकुर। क्योंकि जब ड्रॉवर यानी कि सोनू को अंकुर से एक विपत्र स्वीकृत होकर प्राप्त होगा तो वो अपनी बुक में एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अंकुर यानी स्वीकर्ता के व्यक्तिगत खाते से। सेकेंड, जबकि क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 फरवरी को इसे सोनू एंड कंपनी ने 10% प्रतिवर्ष की दर से बट्टे पर बुना लिया, तो ऐसी कंडीशन में क्योंकि वो ड्रॉवर है सोनू एक लेखक है तो वो अपनी बुक में एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि 10,000 का ये विपत्र है और इस पे अगर हम डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं 3 मंथ का 10%, तो ये हो जाता है 10,000 इंटू 3 इंटू 10 अपॉन 12 इंटू 100 यानी कि 250 यहाँ डिस्काउंट की अमाउंट आ जाती है। तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में हम 9,750 लिखेंगे यानी कि 10,000 माइनस 250 करके, और डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट में 250 लिखेंगे और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के क्रेडिट में हम टोटल 10,000 के अमाउंट लिखेंगे। थर्ड पॉइंट यहाँ पर, जबकि जो अमाउंट है वो जबकि जो विपत्र है वो अनादृत हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर हम एंट्री करेंगे अंकुर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि वो विपत्र अनादृत हो रहा है जो कि बैंक से बट्टे पर बुना लिया गया। तो ऐसी कंडीशन में लेखक के यहाँ एंट्री होती है ड्रॉवीज पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ हम एंट्री करेंगे अंकुर डेबिट टू बैंक, और क्योंकि नोटिंग चार्जेस भी उसमें इंक्लूड हो जाएंगे तो टोटल इसकी अमाउंट हो जाएगी 10,020। अब जबकि जो कैश है यानी 10,000 का 50% वो कैश पे करता है, और ऐसी कंडीशन में 10,000 का 50% यानी 5,000 कैश पेमेंट करता है, तो इसके लिए हम जनरल एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू अंकुर और 5,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। फिर जो पुराना विपत्र है तो लेखक के पुस्तक में हम पुराना विपत्र रद्द करने के लिए एंट्री करेंगे और ये एंट्री हो जाएगी अंकुर डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और 10,000 का वो विपत्र था पुराना तो 10,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे, और जब हम नया विपत्र लिखेंगे तो उसमें सारी अमाउंट जुड़ जाएगी यानी कि जो हमारी आलोकन व्यय की जो अमाउंट थी वो और प्लस इंटरेस्ट के जो हमारी अमाउंट थी वो सारी अमाउंट जुड़ जाएंगे। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अंकुर और टोटल यहाँ पर हम अमाउंट लिखेंगे 10,000 प्लस 150 प्लस 20 यानी कि 10,170 रुपीस से हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। पन्ना लाल ने राम लाल को 20,000 रुपए का माल बेचा तथा 3 माह का बिल लिखा। राम लाल ने बिल स्वीकृत कर पन्ना लाल को लौटा दिया। ये बिल पन्ना लाल ने अपने बैंक से 10% वार्षिक बट्टे पर बुना लिया। भुगतान की तिथि पर बिल अनादृत हो गया।
रामलाल ने 1000 रुपये नगद दिए तथा शेष राशि के लिए 2 माह की स्वीकृति दी। दोनों पक्षकारों के पुस्तकों में जनरल के लेखे कीजिए। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि दो पक्षकार हैं पन्नालाल और रामलाल। पन्नालाल ने रामलाल को क्योंकि माल बेचा है, इसका अर्थ ये है कि पन्नालाल जो है वो विपत्र का लेखक है, वो माल बेचता है। हमने देखा कि विपत्र जो विक्रेता जो होता है वही विपत्र लिखता है और क्रेता जो होता है वो उस विपत्र पर अपनी स्वीकृति देकर वापस लेखक को वो विपत्र लौटा देता है। तो पन्नालाल के बुक में हम लेखक के रूप में प्रविष्टि करेंगे, ड्रॉवर के रूप में हम उसमें एंट्री करेंगे और रामलाल के पुस्तकों में हम ड्रॉवी एज ए ड्रॉवी यानी कि स्वीकर्ता के रूप में हम प्रविष्टि करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पन्नालाल यानी कि लेखक के पुस्तक में ड्रॉवर की बुक में एंट्री करते हैं। तो यहाँ हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी जबकि पन्नालाल रामलाल को माल बेचेगा, तो यहाँ वो जनरल एंट्री करेगा रामलाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड सोल्ड टू रामलाल और 2000 से इसकी एंट्री होगी। सेकंड कंडीशन में जबकि रामलाल पन्नालाल के द्वारा लिखे गए इस विपत्र पर अपनी स्वीकृति देगा, स्वीकृति प्रदान करके वापस पन्नालाल को लौटाएगा, तो उस कंडीशन में हमने देखा कि एंट्री होती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट और एक्सेप्टर कौन है यहाँ पर रामलाल है। तो यहाँ हम जनरल एंट्री करेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रामलाल अकाउंट और 2000 से इसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर कि नेक्स्ट जो पॉइंट दिया गया है उसमें इस बिल को पन्नालाल ने अपने बैंक से 10% वार्षिक की दर से बट्टे पर भुना लिया। पहले तो हम इसका बट्टा कैलकुलेट कर लेंगे, 2000 का ये बिल है, 10% पर एनम इसमें डिस्काउंट है, 3 मंथ के लिए है, तो ये हो जाएगा 2000 इंटू 10 इंटू 3 अपॉन 12 इंटू 100 यानी कि 50 रुपीज इसमें डिस्काउंट आ जाएगा। अब जब कोई लेखक किसी विपत्र को बट्टे पर भुनाता है तो वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट पे जनरल एंट्री करता है बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो ये हम एंट्री कर देंगे किसकी बुक में, पन्नालाल की बुक में, बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। और अमाउंट हम किस तरह से लिखेंगे, तो हमने देखा कि बैंक के डेबिट साइड में हम वो अमाउंट लिखते हैं जिसको हम नेट अमाउंट बोलते हैं, यानी कि जो बिल की अमाउंट होती है और बिल की जो टोटल अमाउंट होती है उसमें से हम डिस्काउंट के अमाउंट को लेस करने के बाद जो अमाउंट आती है उसको हम नेट अमाउंट बोलते हैं, उसी को हम बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे बिल की जो टोटल अमाउंट थी वो है 2000, इसमें से हम डिस्काउंट माइनस कर देंगे 50 रुपीज, तो 1950 हमारी नेट अमाउंट आएगी जो कि हम बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। और डिस्काउंट तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया है 50 रुपीज, तो उसको हम डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे और फिर टू बिल्स रिसीवेबल टोटल जो अमाउंट आएगी 1950 + 50 2000 हम बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। तो ये हमने सारी एंट्रीज यहाँ पर कर ली। अब ये नेक्स्ट बोल रहा है कि भुगतान तिथि पर बिल अनादरित हो गया। कौन सा बिल अनादरित हो गया, जो कि भुना लिया गया था। अब भुनाया गया बिल अगर अनादरित हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में हमने देखा था कि लेखक के पुस्तक में हम कौन से प्रविष्टि करते हैं, एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो एक्सेप्टर कौन है यहाँ पर, रामलाल। तो यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी रामलाल डेबिट टू बैंक अकाउंट और नरेशन यहाँ पर हम लिखेंगे डिसऑनर्ड ऑफ बिल और 2000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो बिल अब अनादरित हो गया तो रामलाल ने 1000 रुपये नगद दे दिए। टोटल बिल कितने का था, 2000 का। अब रामलाल ने 1000 जो है वो कैश पेमेंट कर दिया और बाकी जो बचा उसके लिए 2 माह की स्वीकृति दी, यानी कि एक नया बिल यहाँ पर लिखा जा रहा है, नवीनीकरण वाला रिन्यूअल वाली कंडीशन यहाँ पर है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम इसकी एंट्री करें तो सबसे पहले तो हम 1000 जो हमको मिल गया है कैश, पन्नालाल की बुक में एंट्री कर रहे हैं, पन्नालाल लेखक है यानी कि विक्रेता है तो वो प्राप्त करेगा बैलेंस अमाउंट को। तो 1000 जब वो प्राप्त करेगा तो उसकी एंट्री वो क्या करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रामलाल। किससे प्राप्त कर रहे हैं वो, रामलाल से। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रामलाल 1000। और अब उसको क्योंकि नए विपत्र पे स्वीकृति देनी है तो पुराने विपत्र को कैंसिल किया जाएगा। तो यहाँ पर जब पुराने विपत्र को कैंसिल किया जाता है तो लेखक के पुस्तकों में एंट्री होती है स्वीकर्ता का व्यक्तिगत खाता डेबिट प्राप्य विपत्र खाता से, यानी एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट।
एक्सेप्टर कौन है, यहाँ पर रामलाल है, तो यहाँ जनरल एंट्री हो जाएगी रामलाल डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और 1000 से हम इसकी एंट्री करेंगे क्योंकि 2000 का टोटल बिल था, 1000 ऑलरेडी पे हो चुका है कैश में, बाकी जो 1000 बचा उसके लिए हम बिल लिख रहे हैं। तो और नरेशन यहाँ हम लिखेंगे ओल्ड बिल कैंसिल, और अब हम नया विपत्र यहाँ पर लिख देंगे कैंसिल करने के बाद। तो नए विपत्र लिखने की नॉर्मली वही एंट्री होती है जो विपत्र स्वीकृत होकर प्राप्त होने की होती है, बिल्कुल उसी तरह से इसकी प्रविष्टि हम करते हैं। तो यहाँ पर ये एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट, तो एक्सेप्टर कौन है यहाँ पे, रामलाल। तो प्रॉपर यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रामलाल अकाउंट, और 1000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। इसी तरह से हम स्वीकर्ता यानी कि रामलाल की पुस्तकों में भी पंजी प्रविष्टि कर ले। तो रामलाल क्योंकि स्वीकर्ता है और यहाँ पर ये माल को खरीदेगा, तो यहाँ जनरल एंट्री हो जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू पन्नालाल, 2000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। और उसके बाद ये जो रामलाल है वो पन्नालाल के द्वारा लिखे गए विपत्र पर स्वीकृति प्रदान करेगा, तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ एंट्री करेंगे पन्नालाल डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। नेक्स्ट यहाँ पर हम थर्ड पॉइंट देख रहे हैं कि ये जो विपत्र था वो पन्नालाल के द्वारा 10% बट्टे पर भुना लिया गया, तो बट्टे पर भुनाने के स्वीकर्ता के यहाँ तो कोई एंट्री नहीं होती है, लेकिन ये विपत्र अब जब अनादरित हो जाएगा तो अनादरण की कंडीशन में हम यहाँ पर एंट्री करेंगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू पन्नालाल, और 2000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। और फिर क्वेश्चन में दिया गया है कि उसने आधी राशि यानी कि 1000 रुपीज उसने नगद दे, और जब ये विपत्र अनादरित हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कौन सा विपत्र है, क्या वो विपत्र लेखक के पास था या बेचान कर दिया गया था या भुना लिया गया था। हालांकि बेचान की कंडीशन में और भुना लेने की कंडीशन में विपत्र के जो स्वीकर्ता के यहाँ जो प्रविष्टि होती है वो एक ही प्रविष्टि होती है, यहाँ पर हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ये कौन सा विपत्र अनादरित हो रहा है जो कि भुना लिया गया था, और यहाँ पर हम एंट्री करेंगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू पन्नालाल, और 2000 से। नेक्स्ट जबकि इस विपत्र पर 1000 रुपए नगद मिलेगा और बाकी के लिए नया विपत्र लिखा जाएगा, तो विपत्र पर राशि जब दे होगी तो उसके लिए एंट्री यहाँ पर होगी पन्नालाल डेबिट, क्योंकि पन्नालाल को ये राशि दी जाएगी, पन्नालाल डेबिट टू कैश 1000, और जो बचा हुआ 1000 का विपत्र है जब उस पे अमाउंट के लिए विपत्र लिखा जाएगा तो यहाँ पर जनरल एंट्री होगी पन्नालाल डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, और 1000 से हम इसकी एंट्री करेंगे।